रिव्यू शुरू शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो एक गाना सुना था मैंने रेखा जी का, सारे नियम तोड़ दो नियम पे चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो नियम पे चलना छोड़ दो, इंकलाब जिंदाबाद। अब इंकलाब के बारे में तो नहीं पता भाई, पर ये लाइन मुझे काफ़ी उस वक्त अमेजिंग लगी, क्योंकि हम बच्चे होते हैं तो हमारे पे बहुत सारे रूल इम्पोज होते हैं, ये मत करो वो मत करो ये मत करो, फिर हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो और रूल्स सोसाइटी कोशिश करती है इम्पोज करने की, फिर सोसाइटी कहती है बेटा आप शादी कर लो, फिर कहते हैं अच्छी नौकरी कर लो, फिर कहते हैं अच्छा बिजनेस कर लो, फिर कहते हैं बच्चा पैदा कर दो, फिर कहते हैं एक और पैदा कर दो, फिर कहते हैं उधर उधर मत देखो, सारे नियम तोड़ दो नियम पे चलना छोड़ दो। थैंक यू फॉर 13,000 सब्सक्राइबर्स। ग्लेन ग्रांट 10 का रिव्यू करेंगे आज। एक ड्रिंक मैंने बनाया हुआ है पता नहीं बहुत देर से, 15-20 मिनट से, लेकिन पिया नहीं इसको। ग्लेन ग्रांट का ही ड्रिंक था, नोजिंग भी नहीं करी थी, बस ड्रिंक बना दिया था। ये बॉटल इसलिए खाली क्योंकि एक दिन पिताजी के एक दोस्त आए थे, मेरे फादर के एक दोस्त आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप ये ट्राई करिए, तो उन्होंने ट्राई कर ली। ग्लेन ग्रांट 10, मेरे फादर नहीं पीते लेकिन उनके दोस्त पीते। मेजर जेम्स ग्रांट क्रिएटेड टॉल स्लेंडर स्टिल्स एंड यूनिक प्योरीफायर्स टू कैप्चर ओनली द फाइनेस्ट वेपर। जो कल इसमें शहरी नहीं लिखा, मैं शहरी से मेरे को सदमा हो गया भाई, थोड़ा अल्कोहल डाल दो शायद थोड़ा स्टेरलाइज हो जाएगा। स्मेल के बारे में मैं क्या कहूँ, थोड़ी परफ्यूमी स्पेस साइड विस्की ग्लेनलिवेट 12 जैसी, काफ़ी लहू लुहान स्मेल है, सिट्रस फ्रूट्स ऑर्चर्ड फ्रूट्स की सबकी स्मेल आ रही है, एप्पल पेयर, पर स्मेल से ज़्यादा बयान नहीं कर रही बिकॉज थोड़ा बहुत मुझे आमंड्स की भी स्मेल आ रही है, ड्राई फ्रूट्स नट्स। किसकी तरह स्मेल करती है मुझे याद नहीं आ रहा, ऑनेस्टली जमा पे नहीं आ रहा, बट यूजुअली मैं सिंगल मॉल्ट को पहले टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पीछे लिखा है द ग्लेन ग्रांट 10-year-old इज अ डिस्प्लेज इट डिस्प्लेज अ ब्राइट गोल्डन कलर विद स्वीट पेयर, आई वॉज राइट ब्रो, स्वीट पेयर एंड वनीला बुके। दिस एलिगेंट सिंगल मॉल्ट डांसेज ऑन द पैलेट विद जेंटल नोट्स ऑफ ऑर्चर्ड फ्रूट्स एंड बटरस्कॉच। द फिनिश इज सैटिस्फाइंगली लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। चलो वाओ, अरे यार तबीयत है विस्की में, तबीयत जो फिनिश है वो आपको याद दिलाएगी रेड लेबल की, ब्लैक लेबल की, और साथ ही साथ इंद्री की भी आपको याद दिलाएगी बिकॉज पेपर वाली फिनिश है इसकी एंड में। लेकिन झलक जो इसकी है वो थोड़ी अलग है। मेरा कहने का मतलब है कि इट्स अ वेरी बारिश हो रही यार, ऐसे कड़ाके की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कोई पलटे मार रहा है, पता नहीं मेरा कैमरा कैप्चर करेगा कि नहीं, बट काफ़ी खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ी बहुत फटती है मेरी जब बारिश होती है और अर्थक्वेक होते हैं। मैं कह रहा था इसकी फिनिश बहुत ही तबीयत वाली है क्योंकि एक अच्छी फिनिश है, काफ़ी वॉल्यूमस है माउथ में पैलेट पे, लेकिन अंदर अच्छी तरह जाती है, मीडियम वॉल्यूम के बावजूद, मीडियम वॉल्यूम के बावजूद पैलेट पे अच्छी जाती है, और ओवरऑल काफ़ी फ्रूटी ऑर्चर्डी नोट्स है इन द एंड, पर गंदा फ्रूटी नहीं है भाई। बहुत सारी बिस्किट में गंदे फ्रूटी वाले नोट भी आते हैं, जबकि आपको पता होगा जो स्पेस साइड रीजन से ज़्यादा बिस्किट होती है ज़्यादातर फ्लोरल नोट्स वाली होती है, लेकिन ये इसमें एक रिचनेस है जो एक नया टर्म है जो हम यूज़ करते हैं सिंगल मॉल्ट बिस्किट्स के बारे में, और जो महंगी बिस्किट होती है उसमें खाली रिचनेस का ये नहीं कि महंगी है, इट वेल मेड और वेल कम्पोज और नॉट। जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहूँगा, रॉकफोर्ड रिजर्व खाली 800-1000 रुपये की आती है, लेकिन इट्स अ रिच टेस्टिंग विस्की। सिमिलरली ब्लैक लेबल इज अ वेरी रिच टेस्टिंग विस्की, शिवस रीगल इज अ वेरी रिच टेस्टिंग विस्की, जबकि जेमिसन अगर आप पियेंगे तो शायद आपको वो रिच नोट्स नहीं आएंगे, ब्लैक एंड वाइट पियेंगे तो रिच नोट्स नहीं आएंगे, ब्लैक डॉग में भी कई बार रिच नोट्स आ सकते हैं, अगर आप ग्लेनफिडिक 12 पियेंगे तो उसके काफ़ी अच्छे मॉडर्न गुड रिच नोट्स है, उसी लिहाज से, उसी पैरामीटर से, उसी रूल ऑफ स्केल से। विस्की नीट पीने लायक है, मुझे अच्छा लगा ये कह के।
अब जो पेपर के नोट है वो खराब पेपर के नोट नहीं है, बिकॉज अक्सर क्या होता है मेरे को कई सारी बिस्किट में खराब पेपर के नोट आते हैं, मैरिटाइम नोट्स जैसे कि ओल्ड पल्टनी, क्लासिक लैडी, इन सब बिस्किट से मुझे इतना शौक नहीं है। इसकी जो फिनिश है वो लॉन्ग है, पेपरी है, लेकिन बुरी पेपरी नहीं, इट्स अ गुड पेपरी। चलो ये 15 मिनट बैठ चुका है ड्रिंक, जो कभी नहीं करना चाहिए। 15 मिनट के बाद ड्रिंक गजल जैसे होता है। ओह माय गॉड, मैं क्या कहूँ यार, इतनी सारी बर्फ और पानी के बाद तो मतलब यार माशूका बन गया ड्रिंक। मैं आज किसी से कह रहा था कि यार मुझे लगता है किसी को ड्रिंक बनाना नहीं आता एक्सेप्ट फॉर मोस्ट पैलेट्स। मैं आपका पैलेट सुधार दूंगा, बर्फ पानी का अच्छा मिश्रण करके कड़ाके का ड्रिंक बनाऊंगा, अब याद रहेगा आपको ड्रिंक। अब जल्दबाजी में मत किया करो, 3-4 मिनट वेट कर लिया करो भीकू। वेरी गुड, बट वापस नीट की तरफ जाते हैं। हाथ में दो दो जाम हो, भगवान ने हाथ क्यों दिए दो। मजा आ रहा है यार, बहुत ही लह वाला ड्रिंक है। मुझे कई लोगों ने आप में से ग्लेन ग्रैंड 10 रेकमेंड किया था, एंड सो फार इसकी मुझे कोई भी वीकनेस नहीं नजर आ रही, जबकि पेपर को मैं ऑफन वीक मानता हूँ, लेकिन वीकनेस नजर नहीं आ रही। मैं इसको किस विस्की से कंपेयर करना चाहूँगा, मैं कहूँगा ग्लेनलिवेट 12, ग्लेनमोरांजी 10, कहीं ना कहीं मैकलन और ग्लेनमोरांजी की भी आधी याद दिला, लेकिन मैकलन एंड ग्लेनमोरांजी आर बोथ स्लाइटली मोर रिच एंड बेटर एंड मोर परफेक्टेड देन दिस। जबकि अगर आप इसके साथ में ब्लैक लेबल रख लेंगे जो 2,200 रुपये की आती है गुड़गांव से, मैं कहूँगा ये लेके आओ, 300 रुपये ज़्यादा खर्चो, ये काफ़ी बेटर है उससे। और एक बार दोबारा बॉटल की शक्ल देखिए आप, राइट, इट्स अ नाइस। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ग्लेन ग्रैंट 10 इज अ वंडरफुल विस्की, जितना मैंने सोचा था उससे बेटर पाया मैंने इसको, क्योंकि इंडिविजुअलिटी इस ड्रिंक में। अगर आपने मैकलन पी है, ब्लैक लेबल पी है, ब्लैक डॉग पी है, शिवस रीगल पी है, जॉनी वॉकर की डबल ब्लैक से तो कोई नाता नहीं इसका, गोल्ड लेबल पी है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप ये ट्राई करिए ग्लेन ग्रैंड 10। सबसे सिमिलर अगर मुझे गन पॉइंट पे कहना पड़ेगा ये कौन सी विस्की सबसे सिमिलर, तो मैं दो के नाम लूँगा, ग्लेनलिवेट 12 प्लस ग्लेनमोरांजी 10, बिकॉज ग्लेनमोरांजी 10 की जो फिनिश है उसमें ज़्यादा पेपर है, इसकी पेपरी फिनिश थोड़ी कम है, बिल्कुल सही मात्रा में है। नेगेटिव बताओ ड्रिंक का, ऑन गन पॉइंट नेगेटिव बताओ ड्रिंक का। ड्रिंक का नेगेटिव ये है कि ज़्यादातर मुझे ऐसी विस्कीज पसंद नहीं आती, ये मेरी फेवरेट्स में तो नहीं आती। आई कैन अप्रिशिएट विस्की लाइक दिस, बट आई कांट से यार ये मेरी फेवरेट विस्की, पर वो यार बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, बिकॉज आपकी विस्की फेवरेट कब बनती है, पहली बार पीने के बाद तो शायद ही कोई विस्की होगी जो मेरी फेवरेट बनी थी, एक्सेप्ट ग्लेनफिडिक 18। अगर आपको एक ही ड्रिंक में आपको बताना है यार फेवरेट विस्की मेरी कौन सी बन सकती है, तो ग्लेनफिडिक 18 लेके आइए, डबल ब्लैक लेके आइए, वो फेवरेट टाइप विस्कीज है। क्या तमाचे मार रहे यार बादल, नहीं होता फिल्मों में कुछ हो रहा होता अचानक से बादल गरजते, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। I'm not gonna lie, this is my fifth drink and I'm a little bored. So this often happens with me when I have single malt whiskies, and because you know there's probably just one blend from one distillery like single malts are, sometimes they can be a bit boring, especially if you're not having a snack. Whereas right now, if I was having a Teacher's Highland, I think there would be more romance. But that's just the truth of it, man. And I like to keep things individualistic to what I like and what I prefer, so that you guys get a good gift. ओ वेट, दिस वॉज अ हिंदी रिव्यू। सो मैं ये कह रहा था कि यार थोड़ी बोरिंग हो रही है ड्रिंक, सच कहूँगा 5 ड्रिंक बाद, और अगर मैं अभी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की पी रहा होता तो शायद इतनी बोरिंग नहीं रहती। टीचर्स काफ़ी यूज टू मैं उसका, बट ओवरऑल इट्स अ गुड विस्की। बट इसको आप
दस में से मैक्सिमम मैं दूंगा इसको 7.5/10 मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, उससे बेटर विस्की है ही नहीं है। अरे भाई बहुत ज़्यादा डाल दी मैंने यार, चलो चीथरे उड़ेंगे। 10 में से मतलब 7.5 से बेटर विस्की नहीं है ये। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं ये सीमित है, लिमिटेड है, थोड़ी सेफ विस्की है। इसको पी के कोई इतना ड्रंक नहीं हो सकता कि हो, मुझे नहीं लगता ये वैसी ड्रिंक है। ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड, नाइस, फ्रूटी, स्पेसाइड विस्की, यू नो व्हाट आई मीन। इट्स नॉट लाइक अ ग्लेनलिवर 12 जिसमें ज़्यादा आतिशबाजी है। मेरे हिसाब से ग्लेनलिवर 12 हैज़ बेटर कैरेक्टर ओवरऑल। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद ब्लैक लेबल, तो मैं ये भी कहूँगा कि मैंने पहले कहा था वीडियो में कि ब्लैक लेबल से शायद बेटर है। हाँ, चंद नामों के लिए बेटर लगेगी, बट ओवरऑल ब्लैक लेबल ज़्यादा नॉटी है इससे। नॉटी विस्की, समझ रहे हो मेरी बात? तो रोमांस है ब्लैक लेबल में, इसमें रोमांस एसेंस थोड़ा मिसिंग है बिकॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विस्की। इट्स जस्ट द वे इट इज ड्यूड। बड़े लॉन्ग टाइम वेट कराया इसको। देखो, ड्रिंक का एसेंस कंप्लीट नहीं है। 2500 में सिंगल मॉल्ट विस्की बहुत सस्ती होती है, और वो सस्तापन कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इसके इसकी डायमेंशन थोड़ी 1.5 साइडेड है। शब्द मेरे लड़खड़ा रहे हैं बिकॉज वो पर मैं हूँ। ओवरऑल ग्लेनग्रांट्स इज गुड विस्की, यू कैन ट्राई इट, बट ये कभी भी मेरी टॉप 10 फेवरेट सिंगल मॉल्ट्स में नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ी चीप है एसेंस में। जो है सो है यार, कहीं ना कहीं आफ्टर सो मेनी ड्रिंक्स मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये नहीं पकड़ पा रही, वो रीच नहीं है इसमें जो कि बाकी विस्कीज में होती है जैसे कि। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो दुनिया का सच है भाई वो मेरा सच है, सिंगल मॉल्ट विस्कीज अक्सर बेहद बोरिंग होती है। मुझे कई बार ग्लेन मुरांजी मेरी फेवरेट सिंगल मॉल्ट है, फेवरेट विस्की है, वो भी बोरिंग लगती है। कई बार ग्लेन फिडिक भी बोरिंग लगती है भाई। जो सच है भाई, झूठ नहीं कहेंगे, सिंगल मॉल्ट विस्कीज आर अ बिट सोफिस्टिकेटेड एंड प्रिटेंशियस एट द सेम टाइम्स। उनमें वो ताकत वतन की हमसे है नहीं है भाई, उनमें वो बात नहीं है। अब नहीं है तो मैं कहाँ से लेके आऊँ भाई, घास लेट डालूँ क्या मैं? क्यों बिटजू, सही कह रहा है। सो या मैन, बोरिंग डायलॉग नहीं बोलूँगा मैं यार। अरे गांधी जी को भी नहीं लेके आऊँगा, लोग गाली देंगे। चलो गाइज, 8:20 PM एंड आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रिव्यू। प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ इन विच आई ड्रिंक विथ यू। एक एक घंटे के वीडियो डालेंगे खाली ड्रिंक करते हुए। पीस आउट।